नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विजन टेक डिवाइस के डीबीटी फर्टिलाइजर सॉफ्टवेयर के 3.0 वर्जन से 3.11 वर्जन में कैसे अपडेट किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको विजन टेक के डिवाइस को यूज़ करने से पहले ये देख लेना है कि उसके ये वाईफाई के टावर हो और जो RD है जो कि जैन और ब्लू का होता है और ये इसका ग्रीन हो चुका हो। फिर सुनिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए वाईफाई सिग्नल आ जाते हैं और जो RD हमेशा ग्रीन हो तभी आपको काम शुरू करें। उसके बिना आप विजन टेक डिवाइस को आगे प्रोसेस मत कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं सीधा डीपीटी फर्टिलाइजर के सॉफ्टवेयर पर। ये चेक कीजिए, यहाँ पे वर्जन आ रहा है 3.00। डीपीटी के वर्जन 3.00 आ रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रीसेट रजिस्ट्रेशन लिखा, देखियो रीसेट रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यस यस ओ कंफर्म, 3 बार यस करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा इसको ऑन करना है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक भी वर्जन 3.0 है। अब इसको 3.1 में कन्वर्ट करना है। आपको सिंपली अपनी RD डालनी है। इसके बाद पिन डालेंगे और सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच, न्यू डिवाइस वर्जन अवेलेबल, प्रेस ओके टू अपडेट डिवाइस। सेफ ओके करेंगे। ध्यान रखें इस समय आपकी मशीन इंटरनेट कनेक्ट हो और देखिए अपडेट हो रही है। इस टाइम पे ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, जब अपडेट हो जाएगी अपने आप ही इसको। आपको बस 2 से 3 मिनट वेट करना है, इसको अपडेट होने में टाइम लगता है 2 से 3 मिनट। देखिए ये अपडेट हो चुकी है और अपने आप मशीन बंद हो चुकी है। अब ये फिर अपने आप ही रिस्टार्ट हो चुकी है। अब दिखाएंगे ऐसा बस उस DPT के सॉफ्टवेयर पे 3.1 लिखा आएगा जो पहले की 3.0 था। लेटेस्ट वर्जन DPT का 3.11 है। अब वेट करेंगे जब तक यहाँ पे टावर ग्रीन और ये RD ग्रीन ना हो जाए। आपको तब तक तो वेट करना ही है। देखिए टावर आ चुके हैं। अब ये 8 ग्रीन होगा, उसके बाद यह काम शुरू कीजिए। जब 8 ग्रीन होता है ये हल्की सी ब्लिंक करती है। ये जब 8 ग्रीन होगा ये हल्की सी ब्लिंक करेगी। ये देखिए 8 ग्रीन हो चुका है। अब जाएंगे आप DPT फर्टिलाइजर के सॉफ्टवेयर पे। चेक कीजिए दोस्तों, नया वर्जन आ चुका है। चेक कीजिए दोस्तों, 3.1 वर्जन अपडेट हो चुका है। इसका नया लुक है, इस पर फॉरगेट पिन की ऑप्शन दे चुकी है। अब सिंपली आप RD पिन डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।